एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज डी राजा और स्टालिन भी पहुंचेंगे पटना। विपक्षी एकता की बैठक में होंगे शामिल। आज शाम तक सीएम स्टालिन के पहुंचने की संभावना है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, पहले मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार जाने वाले थे सीएम स्टालिन से, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उनका ये दौरा रद्द हो गया था। तमिलनाडु वो नहीं जा पाए थे, लेकिन अब आज ही डी राजा और एनके स्टालिन पहुंचेंगे पटना। विपक्षी एकता की बैठक को लेकर वो शामिल होंगे। आज शाम तक सीएम स्टालिन पहुंच सकते हैं पटना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए हैं। आदित्य, कल का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी बड़ा दिन है, यूं कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण दिन है। इसके लिए तमाम राजनेताओं का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कौन आज पहुंचेगा और कौन से ऐसे राजनेता हैं जो कल पहुंच सकते हैं विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर? देखिए पूजा, ये बिहार की राजनीति के लिए नहीं, पूरे देश की राजनीति के लिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार मुहिम में जुड़े हुए हैं कि विपक्षी दल एक मंच पर आएं और 2024 के चुनाव से पहले सारे विपक्षी दल एक मंच पर आकर के चुनाव लड़ें ताकि केंद्र की सरकार से बीजेपी को हटाया जा सके, उसी को लेकर के सारी तैयारी हो गई है। और महबूबा मुफ्ती, जो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो पटना पहुंच चुकी हैं और आज शाम तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सीपीआई के सीताराम येचुरी, डी राजा, माले के जो दीपांकर भट्टाचार्य, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज शाम तक पटना पहुँच जाएंगे। और कल जहाँ तक बात है, तो कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी हों, इसके अलावा उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, तमाम जो नेता स्टालिन हैं वो सब कल आएंगे। वैसे स्टालिन को लेकर के संशय बना हुआ है कि वो हो सकता है कि शाम में भी पहुंच जाएं, लेकिन यदि आज शाम में नहीं पहुंचते हैं तो वो कल सुबह में ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो सारी तैयारी हो गई है। पटना जो का जो राजकीय अतिथिशाला स्टेट गेस्ट हाउस है, उसमें तमाम जो बड़े नेता, भारत के वीवीआईपी नेता आ रहे हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। चौबन व्यवस्था किया गया है। पूरे जो पूरा राजभवन का जो एरिया है, पूरा एरिया को हाई सेंसिटिव जोन में घोषित कर दिया गया है। किसी भी अनजान आदमी को वहां जाने की अनुमति नहीं है और जो राजकीय अतिथिशाला है उसमें किसी की भी एंट्री बैन कर दी गई है अगले आदेश तक। कल शाम तक जो मीटिंग होगी, जब सारे नेता जो चले जाएंगे, उसके बाद कुछ नॉर्मल होगा। लेकिन जो उत्साह से बिहार सरकार के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं सुरक्षा को लेकर के, और बिहार सरकार के मंत्रियों को डिप्यूट किया गया है कि कौन से नेता जो आते हैं, यदि बाहर के मेहमान आते हैं तो किसकी आगवानी कौन करेगा, तो बिहार सरकार के तमाम मंत्री भी उसमें जुटे हुए हैं ताकि किसी बाहर के जो आने वाले मेहमान हैं उनको किसी तरीके से परेशानी ना हो। तो सारी तैयारी हो गई है और कल का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं, जो बीजेपी के विरोधी दल के हैं, वो तमाम बड़े चेहरे पटना में एकजुट होंगे। मुख्यमंत्री का आवास है एक अन्य मार्ग, उसी में जो नेक संवाद का एक हॉल है, उसी में तमाम जो बड़े नेता हैं जुटेंगे और 2024 के चुनाव को लेकर के आगे की रणनीति तय करेंगे। पूजा, बिल्कुल, देखिए बाहरी चीजों को लेकर तैयारियां तो पूरी कर ली गई है, लेकिन कल कौन कौन जुटता है इस महाजुटान में और इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, इस पर लगातार न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की नजरें बनी रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आदित्य।